Yo, what's up guys, once again welcome back to another new video. So preview में copyright है and आपको song के साथ सुनना है तो मैंने link description दिया है, तो उसको सुन लेना. And इसका इस तरह edit करने के लिए आपको CapCut application को open करना है and new project पे click करके आपको यहाँ से अपना video मतलब कैरेक्टर इमोट है उस वाले क्लिप को यहाँ पे ऐड कर लेना है. ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे आना है फॉर्मेट पे. आने के बाद यहाँ पे आपको 3x4 का रेशो लेना है एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेन एंड जूम कर लेना है, मतलब काइन मास्टर की तरह यहाँ पे जूम कर लेना होगा. एंड फिर गाइस यहाँ पे आपको इस कैरेक्टर मतलब इस इमोट का आपको अलग अलग मतलब मेन पार्ट आपको मतलब कट कर लेना है, इमोट को कट कर लेना है. जैसे स्प्लिट करेंगे इधर का पार्ट डिलीट एंड फिर यहाँ से मतलब कहाँ से मतलब कैरेक्टर इमोट मतलब ख़त्म हो जाता है वहाँ से आपको ले लेना है. और इसका आपको सेचुरेशन बढ़ा लेना है, मतलब सभी में ये अप्लाई हो जाएगा इसलिए. सो आपको यहाँ से विग्नेट को भी बढ़ा लेना है, थोड़ा सा बढ़ा लेना, मतलब ज़्यादा मत बढ़ाना. एंड फेड वगैरह आप चाहे तो यहाँ पे छेड़खानी कर सकते हो, बाकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं करना है. अगर करना भी चाहते हो तो कर सकते हो. तो इस इमोट को आपको कट कर लेना है. तो यहाँ से स्प्लिट कर देंगे और जो ये वाला कैरेक्टर का जो इमोट है ना, आपको यहाँ से मतलब स्प्लिट करके इसका भी आपको मेन पार्ट आपको कट कर लेना है. सो ये मैं कर लेता हूँ गाइस. ओके, तो मैंने यहाँ पे दोनों का कट कर लिया है एंड इसका जो वाटरमार्क है मैंने डिलीट कर दिया. एंड फिर आपको क्या करना है, इस वाले क्लिप पे क्लिक करना, मतलब फर्स्ट वाली पे क्लिक करना सकते हो एंड डिलीट कर देना उसको. एंड इसका आपको स्पीड करना है 0.5 एंड इसके बाद आप बेटर क्वालिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है. एंड फिर ये कुछ इस तरह से यहाँ पे स्मूदिंग वाला प्रोसेस हो जाएगा. एंड फिर गाइस आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, ये देखो हो गया. एंड फिर आपको सिंपली से फुल रेजोल्यूशन एंड फुल फ्रेम रेट में आपको सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है. एंड ये एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो ये एक्सपोर्ट हो गया एंड उसके बाद गाइस आपको इधर क्लिक करना है, बैक मत करना नहीं तो फिर वो अनडू नहीं होगा. सो यहाँ पे ऊपर क्लिक कर देना, फिर आप सो यहाँ पे बैक वाले बटन पे प्रेस कर देना. सो ये आ गया एंड फिर आपको क्या करना है, इधर अनडू पर क्लिक करना, तो ये स्मूथ अनडू हो गया. फिर इसके बाद आपका स्पीड, फिर यहाँ पे आपका डिलीट अनडू हो गया, मतलब ये वाला वीडियो आ गया है. तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग थोड़ा सा स्पीड जो है स्लो मोशन कर देंगे एंड इसको बेटर क्वालिटी सेलेक्ट करके सिंपली राइट पे क्लिक करेंगे तो ये भी इसका भी हम लोग स्लो मो वाला एक क्लिप आ जाएगा. ठीक है, एंड इतना हो जाने के बाद सिंपली इसे भी हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे फुल रेजोल्यूशन और फुल फ्रेम रेट के साथ. एंड फिर आपको इधर क्लिक करना है, फिर आपका यहाँ पे आ गया एंड प्लस वाला आइकन पर टैप करेंगे एंड जो हमने एक्सपोर्ट किया है उन वाली वीडियो क्लिप को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं. ऐड करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको इधर ड्रैग करना है एंड फिर आपको इधर का पार्ट डिलीट कर देना, जो मैंने एपिसोड एक्सपोर्ट किया था उस वाले को डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे अब क्या करना है, म्यूजिक वाला क्लिप को ले लेना है. सो आप लोग क्या करना, मेरा प्रीव्यू वाला वीडियो का लिंक है उससे आप सॉन्ग डाउनलोड कर लेना एंड यहाँ पे ऐड कर लेना. और वीडियो क्लिप को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ. सो क्या करना है, आपको यहाँ पे बुकमार्क वगैरह आपको फाइंड करना है. सो आपको पता नहीं चलेगा, मैंने यहाँ पे म्यूट करके रखा हुआ है. सो यहाँ पे क्या है, थोड़ा कॉपीराइट क्लेम मैंने इस सॉन्ग पे, तो इस वजह से मैंने करा है एंड इससे कोई इशू वगैरह नहीं होता. सो यहाँ पे मैच कट पे जाएंगे और यहाँ पे बीट वगैरह फाइंड करके यहाँ पे बीट सभी चीज़ें सुन सुन के हम लोग यहाँ पे बीट ऐड कर देते हैं. तो फर्स्ट बीट यहाँ पे आता है, सेकंड बीट इधर, ऐसे सुन सुन के आपको बीट लगा देना है. मतलब ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, बस बीट पे आपको मार्क लगाते जाना है एंड आपको यहाँ पे सैक वगैरह हम यहाँ पे ऐड करेंगे. मतलब बीट के अकॉर्डिंग हम लोग जहाँ जहाँ पे बीट है वहाँ पे आप सैक ऐड भी करने वाले हैं. ओके, तो बीट यहाँ पे ऐड करने के बाद प्ले करोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बीट भी प्रॉपर तरीके से हो जाएगा. एंड फिर गाइस आप लोगों ने इधर स्टार्टिंग पे आना है और बीट के बराबर आपको वीडियो का लेंथ भी आपको रखना है. सो इधर आपका लेंथ आपका थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है,
सो इसका क्या करना है, हमने डिलीट करना है, सॉरी हमने यहाँ पे मतलब इमोट का मेन पार्ट रखना था तो वो हमने डिलीट करा, और यहाँ से हम इसे स्प्लिट करेंगे बट इधर का नहीं करेंगे, हम शुरू वाले पोर्शन का करेंगे। तो हम इधर ड्रैग करेंगे और इधर से हम लोग कट कर देंगे और इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये मैच हुआ कि नहीं, बस थोड़ा सा ही फ़र्क तो ये इधर से कर देंगे सो आ जाएगा। एंड फिर इधर आप देख सकते हो ये बराबर हो गया मैच, एंड आइडियल लेयर के बराबर आपको इसका भी लेंथ आपको मैच कर लेना है। सो कर लेने के बाद गाइस आपको डिलीट कर देना एक्स्ट्रा पार्ट को, एंड यहाँ पर आपको ऐड करना है सैक इफेक्ट। तो आपको जाना है इफेक्ट वाले सेक्शन पे एंड वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना, एंड फिर आपको मिल जाएगा सैक इफेक्ट, तो यहाँ पे ऐड कर लेना है इसे भी। ठीक है, ये सैक वाला इफेक्ट आपको लेना है और इसका लेंथ आपको बिल्कुल छोटा कर लेना है। एडजस्टमेंट में जाके आपको इसका छेड़खानी करना चाहते हो कर लेना, बाकी आपको यहाँ पे सैक मिल रहा है ना, थोड़ा सा आपको इतना बड़ा रखना है मतलब प्रॉपर तरीके से लगे। एंड इसका स्पीड आपको फुल कर देना है, इंटेंसिटी को आपको करना है 30 मतलब 16 कर देना या 15 कर दोगे तो चलेगा, एंड इतना कर देना। एंड इसके बाद आपको प्ले करोगे तो देखो ऐसा होगा, एंड अगर आपको प्रॉपर नहीं लगते तो उससे एडजस्टमेंट करोगे तो ये ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, और लेंथ इतना कर लेना। ठीक है, एंड इसके बाद गाइस आपको सिंपली इसको हर बीट पे आपको लगा देना है। ठीक है, कॉपी करना है यहाँ से, इधर कॉपी मिलेगा और इधर ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ऐसा मतलब सुनना है कि कहाँ पर बेटर लग रहा है वहाँ पे आपको रख देना है। ठीक है, बिल्कुल बीच में रखना इतना ज़रूरी भी नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है मतलब बीट के साथ मैच नहीं हो रहा है तब आपको करना है। ठीक है, अलग मतलब थोड़ा सा खिसका के रख देना, ऐसा चलेगा। मैं इतना कर देता हूँ, सो मैं फटाफट से कर लेता हूँ, बाकी आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या करना है। सो यार प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना एंड देख लो वीडियो को क्या कैसा समझ में आ रहा है, और जिनको को समझ में आ गया वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जिनको नहीं आ रहा है वो वीडियो को कंटिन्यू देखो। मैंने यहाँ पे सारे यहाँ पे मैंने सैक इफेक्ट मैंने लगा दिए हैं, एंड अभी बात आता है यहाँ पर कि हम क्या करने वाले इसके बाद। सो देख सकते हो बढ़िया लग रहा है अब वीडियो, एंड इस पर अब बचा है हमारा वाइट वाला इफेक्ट लगाना, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ओवरले पे क्लिक करेंगे, ऐड ओवरले, एंड आपको यहाँ पे स्टॉक वीडियोज़ पे क्लिक करना है एंड आपको वाइट वाला बैकग्राउंड ले लेना है। सो ये वाइट वाला बैकग्राउंड आपको देख रहा होगा, यहाँ पे ऐड कर लेना और इसको आपको फुल कर देना है पूरा स्क्रीन पे, पूरा स्क्रीन पे ऐड करने के बाद इसका आपको इस तरह से छोटा कर लेना है, मतलब देख सकते हो कितना छोटा हुआ है उतना आपको छोटा कर लेना है। और यहाँ पे आपको प्लेस करना है बीट के थोड़े साइड में मतलब आगे कर देना है, हम मतलब मार्क लगाया है ना उसके थोड़े से आगे कर लेना है, और इसका आपको करना है ओवरले। ठीक है, ओवरले पे क्लिक कर देना एंड सेटिंग में जाके, और इस पीस और इसका आपका एनिमेशन पे जाके आपको इसको करना है फेड इन एनिमेशन में, फेड इन पे। ठीक है, और इतना करने के बाद आपको सिंपली राइट कर देना है एंड देखो कैसा दिख रहा है। ठीक है, प्रॉपर हो गया है, और बस इसको कॉपी करना है और हर बीट पे आपको इसे लगा देना है। सो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा लेंथ बढ़ा देते हैं, अब देखो हाँ अब बढ़िया है। और इसके बाद हम करते हैं, अरे यार डिलीट हो गया, अंडू करेंगे, इधर से कॉपी एंड इधर जाएंगे। ठीक है, बीट के थोड़े से आगे आपको लगा देना है, मतलब बिल्कुल बीच की बीट पे बीच में नहीं लगाना है आपको, थोड़ा सा साइड में लगा देना है और ऐसे ही आपको कर लेना है गाइस। एंड मैं उसके बाद मिलता हूँ, बाकी आपको यहाँ पे करना है थोड़ा सा आगे लगा देना है, बस इतना ही काम बचा है। तो सारे मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऐड लगा दिए हैं, एंड फिर आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे एक चीज़ बच गया था, वीडियो इफेक्ट पे जाके ये देखो हेलो ब्लर वाला आपको ले लेना है, और
इसको एक तरह लेंथ बढ़ा देना, बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। और इस वाली क्लिप पे आपको एनिमेशन देना है, तो एनिमेशन आप कोई भी दे सकते हो, मतलब आपको जो बढ़िया लगे। सो एनिमेशन पे बढ़िया काफ़ी सारे हैं, बाकी आपको सैक 2, 3, 1 जो भी अच्छा लगे वो आपको लगा देना है, ठीक है। और ज़्यादा लेंथ नहीं बड़ा रखना है इसका, छोटा सा ही रखना है, मतलब 0.3 रख देना इसका, ठीक है। स्पीड में जाके 0.2 कर देते हैं, इतनी काफ़ी है। और देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, अब काफ़ी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो हमारा सैक इफेक्ट है यहाँ पे हमने वीडियो में लगा दिया है। ऑलराइट, यहाँ पे सब चीज़ होने के बाद इसे प्ले करके देख लेना, एंड इसके बाद आप लोग इसे एक्सपोर्ट भी कर लेना। एंड गाइस, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।